रोल। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। अभिषेक जी, आज यहाँ पर जो रामलीला का कार्यक्रम हो रहा है, क्या है ये पूरा, मतलब किस तरह से इस एरिया के लोग मिलजुल करके काम करते हैं ये रामलीला का? सर जैसे आपने पूरा दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो कभी जन्माष्टमी का, कभी रामलीला का, कभी कोई और चीज़ों का, हर चीज़ का प्रोग्राम करती है। बट एक सिर्फ और सिर्फ एक हमारी संस्था है जो क्या नाम है, सब बंदों को साथ में लेके चलती है। ये एक आधे बंदे के बस की बात नहीं है, बात आप भी जानते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है एक तरीके का। तो इसमें क्या नाम है, 400-500 बंदों का सहयोग रहता है, हर बंदा अपना सहयोग देता है। जैसे इस बार हमारा मेन टॉपिक था कि हम किसी आर्टिस्ट को बुलाने के बदले यूथ को जागरूक करें, तो इसलिए हमने डेली के 21 नाम लगा लिया, जिससे यूथ को एक लालच आएगा कि हाँ एक लकी ड्रॉ निकला है। और उसके थ्रू हम एक साथ नहीं निकालते लकी ड्रॉ, सात मिड, सात बाद में और सात एंड में, जिससे उन्हें इंटरेस्ट बना रहे कि लकी ड्रॉ निकल सकता है। और इस बहाने जो हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, उस संस्कृति का भी प्रचार होता जा रहा है। और जैसे आप देख रहे हैं, जैसे हमको चाइना, अब दिवाली आ रही है, दिवाली पे चाइना के पटाखे और चाइना के क्या नाम है, LED लाइट्स वगैरह खरीदे जाते हैं, और वो चाइना वही चीज़ हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। हमारे ही जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, उन्हें हार्मफुल होता है और हमें हार्मफुल होता है। तो सबसे अनुरोध करके हमने इस बार लंका ध्यान के बदले ये चाइना ध्यान कराए, जिससे क्या नाम है, चाइना का बहिष्कार करा हमने एक तरीके का। कि लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं ये चाइना ध्यान? चाइना ध्यान से लोगों को ये दे रहे हैं कि मतलब जैसे चाइना में आप दिवाली आ रही है, दिवाली और दशहरे पे चाइना के कोई भी आइटम ना खरीदें, आप जितना कम से कम हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से, इंडिया क्या नाम है, मेड इन इंडिया यूज करें, चाइना का बिल्कुल ही बहिष्कार करें। क्योंकि चाइना में जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, कोई सेल आउट होगा नहीं उसका इंडिया से, तो अपना भी उसका इकोनॉमी डेवलपमेंट जो है वो 90% कट हो जाएगा। आपके संस्था का क्या नाम है, और इसके अलावा आपके संस्था जो है और क्या क्या काम करता है? सर हमारी संस्था का नाम है श्री रामलीला कमेटी लास्ट नगर दिल्ली के पास। हमारी संस्था के थ्रू हम हर साल एक ऐसा कपल ढूंढते हैं जो जैसे जो गरीब बन रहे होते हैं, वो शादी का खर्चा नहीं उठा पाते थे, तो हमारी संस्था के थ्रू हम एक सामूहिक विवाह कराते हैं, चाहे वो रामलीला में हो या रामलीला के बाहर हो, जैसे उनके परिवार को संतुष्टि होती है वैसे हम कराते हैं एक सामूहिक विवाह जो गरीबों में, उसमें हम कुछ नहीं लेते, सारा हमारा खाना पीना, सारा अरेंजमेंट सब हमारी तरफ से होता है, सब उनका मतलब एक साथ कपल का सामूहिक विवाह हम कराते हैं उस माध्यम से। और यहाँ पे डेली का कोई कमेटी मेंबर्स वगैरह डेली का 1000-2000 बंदों का तो एक लंगर लगता है, फ्री खाना भोजन, कोई उसके लिए पास नहीं, कोई कूपन नहीं, सब पब्लिक के लिए और उसके लिए सब फ्री है। ठीक।